आज के गौशाला परिसर में इस गरिमामयी कार्यक्रम में हम सबके मध्य विराजमान हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन यादव जी आज गौशाला में पधारे हैं। मैं आप सब लोगों से आग्रह करूंगा, अपने उपनगर मुरार में मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ है तो जरा जोरदार तालियों के साथ हम सब मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आज इस अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान हमारे अपने और केंद्र सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, राज्य सरकार के मंत्री आदरणीय प्रद्युमन सिंह जी, आदरणीय नारायण सिंह जी, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय विवेक सेजवलकर जी, पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अभय चौधरी जी, आदरणीय भारत सिंह जी, आदरणीय महेंद्र यादव जी और जिनके निमंत्रण पर हम सब लोग यहां इकट्ठा हुए हैं, ऐसे हमारे पूज्य स्वामी जी और उनके सभी सहयोगी संतगण पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से पधारे सभी अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों और बहनों, आज का यह क्षण हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का क्षण है, क्योंकि लाल टिपारा गौशाला में आज एक नया अध्याय जुड़ रहा है हरित ऊर्जा का। यह प्रोजेक्ट 31 करोड़ रुपए का है, इससे नगर निगम की आय भी बढ़ेगी और गौशाला की व्यवस्था में सहयोग भी मिलेगा। आज ही आदरणीय सिंधिया जी ने अपनी सांसद निधि से जिन शेडों का निर्माण कराया है उससे भी निश्चित रूप से गौ माता की बड़ी सेवा होगी। इन दोनों कामों के लिए मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बहुत ही गौरव है क्योंकि उस गौशाला से आरंभ से जुड़ने का ही मुझे अवसर मिला। 2004 में जब मैं प्रभारी मंत्री था उस समय हम लोगों ने इस टेंडरी के प्रांगण में गौशाला की स्थापना की थी और तब नगर निगम ने इसको चलाना प्रारंभ किया, लेकिन जब नगर निगम इसे संचालन कर रही थी तो नगर निगम कोई कसर नहीं छोड़ रही थी, लेकिन फिर भी कई प्रकार के प्रश्न गौशाला की व्यवस्था पर खड़े होते रहते थे। और इसी बीच में पूज्य महाराज जी का आगमन ग्वालियर की पावन धरा पर हुआ। बड़े महाराज जी भी हरिद्वार से आए और हम सब लोगों ने मिलकर उनके सामने ये प्रस्ताव रखा कि अगर इस गौशाला को आप संभाल लें तो गौशाला की व्यवस्था में चार चांद लग जाएंगे। पूज्य स्वामी जी अभी अपना विचार व्यक्त कर रहे थे, बड़े महाराज जी आज यहां नहीं है लेकिन उनके आशीर्वाद से आज देश भर में 20,000 से अधिक गौ माता की सेवा हो रही है। उन्होंने ये काम हाथ में लिया और इस गौशाला के काम में श्रद्धा प्रकट हुई, समाज जुड़ा और आज नगर निगम का भी योगदान होता है और समाज का भी योगदान होता है। विवेक सेजवलकर जी यहां बैठे हुए, वो महापौर हुआ करते थे,
और उसी दौरान ये विचार आया था कि यहां पर अगर सीएनजी का प्रोजेक्ट लग जाए तो इसका बड़ा फायदा होगा। उसी बीच में तत्कालीन पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी आए थे, उनको भी आग्रह हुआ। स्वामी जी कई बार दिल्ली आए और धर्मेंद्र प्रधान जी ने बहुत सहयोग किया और इसलिए आज के इस अवसर को हम सबके जीवन में उपलब्ध कराने के लिए मैं धर्मेंद्र प्रधान जी को और वर्तमान में जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी जी हैं, दोनों को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और पूज्य महाराज जी और विवेक सेजवलकर जी, जिनके सौजन्य से इसकी शुरुआत हुई, उनका भी हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम सब आज मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में बैठे हैं। गौशाला का संचालन अत्यंत कठिन कार्य है, लेकिन नगर निगम ग्वालियर यह दुष्कर कार्य कर रहा है। मध्य प्रदेश सरकार का योगदान इसमें है। जैसी महाराज जी ने अपेक्षा की है, मैं मुख्यमंत्री जी को आग्रह करना चाहूंगा कि वो महाराज जी के अनुरोध को स्वीकार करें और इसमें सहयोग राज्य सरकार का और बढ़े, तो ज्यादा से ज्यादा गौ माता की और सेवा करने में हमारी गौशाला सफल हो सकती है। इस अवसर पर आप सबको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।